वेल गाइस, तो फाइनली AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर AEW का वुमन चैंपियनशिप मैच ओवर हो चुका है और आज यहां पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW के वुमन चैंपियन टोनी स्टॉर्म उनका टाइटल थंडर रोजा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देती गए। जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर मरिया में हमें यहां पर रिंग साइड एरिया पर देखने को मिलती गए। वेल गाइस, बात करें यहां पर मैच के ओपनिंग की, तो वैसे तो नॉर्मली थंडर रोजा उनके मैचेस के अंदर हमें यहां पर फेस पेंट के साथ देखने को मिलती गए, बट आज यहां पर इस मैच के अंदर थंडर रोजा बिना फेस पेंट के रसल करती गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहां पर मैच के ओपनिंग पर टोनी स्टॉर्म इस मैच में उनके पावर एडवांटेज का फायदा लेते हुए थंडर रोजा को बुरी तरह से बीट डाउन करती गए। बट गाइस, जब यहां पर मैच के अंदर थंडर रोजा मैच को डोमिनेट करना शुरू करती गए, तो गाइस इस मैच के अंदर हमें यहां पर मरिया मे की इंटरफेरेंस देखने को मिलती गए। वेल, मरिया मे के रिंग साइड एरिया पर इंटरफेयर करने के बाद डियोना पुराजो आज यहां पर शो के ऊपर मरिया मे पर अटैक करती गए। और गाइस, डियोना पुराजो के मरिया मे पर अटैक करने के बाद रिंग के अंदर आज इस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर थंडर रोजा उनके वर्टिकल सुप्लेस के साथ मैच को जीतने की कोशिश कर रही होती गए, तभी यहां पर इस मैच के अंदर थंडर रोजा के ऊपर हमें यहां पर स्टॉर्म उनका हिप अटैक करते हुए दिखाई देती गए। और इसके बाद AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर टोनी स्टॉर्म उनके फिनिशर के साथ आज यहां पर थंडर रोजा को बीट करके AEW के डायनेस्टी पर वुमन टाइटल को रिटेन कर लेती गए। और गाइस, देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब टोनी स्टॉर्म का अगला चैलेंजर कौन होता है।